Hey my gorgeous ladies, welcome back to my channel Hughes Glam World. तो recently आलिया भट्ट की एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसकी नाम है पोचार। तो उसकी प्रीमियम पे आलिया भट्ट ने एक लुक क्रिएट किया है, कैरी किया है, जो कि है ब्लैक साड़ी एंड विथ बोल्ड रेड लिप। तो वो मेकअप लुक्स या वो लुक्स मुझे बेहद ज़्यादा पसंद आया। तो उस लुक एंड उस आउटफिट की मिलती जुलती ही मेरे पास आउटफिट्स एंड ज्वेलरी थी मिक्स एंड मैच। तो मैंने सोचा कि वही लुक ट्राई करते हैं एंड वो लुक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। सो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लाइमर दे रही हूँ, मैं तो ना आलिया भट्ट हूँ ना आलिया भट्ट जैसी बनना चाहती हूँ। एंड उनकी जो मेकअप की हर एक प्रोडक्ट है, चाहे स्किन केयर हो, मेकअप की प्रोडक्ट हो, वो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड है। शायद मेरी जो पूरी किट है मेकअप किट, उस पूरी किट में उनकी एक भी प्रोडक्ट की प्राइस भी ना आए। तो बस थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आउटफिट भी थोड़ा बहुत सिमिलर रखने की कोशिश किया एंड ज्वेलरी भी। तो चलो फटाफट मेकअप स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ पे सेरम अप्लाई कर लिया है। आलिया भट्ट की मेकअप लुक ट्राई कर रही हूँ एंड आलिया भट्ट की स्किन इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस है एंड एक नेचुरल सा ग्लो आलिया भट्ट की स्किन में दिखता है, झलकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी आज, क्योंकि मेकअप करने से पहले मुझे स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना है, मतलब मेरी स्किन भी उतना ग्लोई ड्यूई रहे। तो यहाँ पे मैं एक और सीरम अप्लाई कर लिया है, स्किन टाइटनिंग फेस सीरम। देन यहाँ पे मैं फेस का फेस हाइड्रेटर यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। एंड उनकी जो बेस होती है ना, हमेशा वो कोई हेवी बेस अप्लाई नहीं करते, थोड़ा बहुत कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं या थोड़ा बहुत जो आजकल नहीं होती है स्किन टिन काइंड ऑफ फाउंडेशन, वो सब ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मैंने आज स्किन केयर किया है, क्योंकि मेरी स्किन भी थोड़ा बहुत ड्यूई ग्लोई ये सब दिखना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से ड्यूई बनाने के लिए मार्स का मैजिक शिमर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ताकि नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। गाइज मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ कि आलिया भट्ट ने डिट्टो ऐसा ही किया है, बस थोड़ा बहुत मैं ट्राई किया कि लुक्स थोड़ा बहुत आए। एंड आई एम श्योर इससे काफ़ी कम प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ ही किया, क्योंकि वो आलिया भट्ट है एंड मैं आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम लोगों की स्किन में जो जो प्रॉब्लम्स है उसे छुपाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा चीज़ अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इल्यूमिनेटर के लिए मार्स का इल्यूमिनेटर यूज़ किया है, ये दी बेस्ट इल्यूमिनेटर है, आप देख सकते हो गाइज। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आज ये आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और भी मुझे मोटिवेट करो, लाइक करो, कमेंट करो। एंड मैं आगे आप लोगों के साथ बहुत 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 ज़्यादा वीडियोज़ ब्लॉग्स देने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कंसील कर रही हूँ मेरी डार्क स्पॉट, यहाँ पिगमेंटेशन जहाँ जहाँ है उसको हाइड करने के लिए। आई एम श्योर आलिया भट्ट ने तो कुछ भी अप्लाई नहीं किया होगा, शायद कंसीलर या कुछ अप्लाई करके छोड़ दिया होगा, बट मुझे ये सब हाइड करने के लिए अप्लाई करना पड़ा। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास तो कोई स्किन टिंट या ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं था, इसलिए एक फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। वो बहुत ही शीयर टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन था, तो इसलिए वो ही फाउंडेशन मैंने चूज़ किया है। पहले ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड कर लिया है, देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है। देन यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसीलर अप्लाई किया है, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, क्योंकि आलिया भट्ट अपने बेस में उतना ज़्यादा कुछ लेयर अप नहीं करती है। उसकी जो बेस होती है बहुत ही लाइट एंड बहुत ही ड्यूईनेस ऐसा कुछ होता है। तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लेयर अप्लाई करूं एंड मेरी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा केकी लगे। उनकी बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा लेयर अप्लाई नहीं करती है, बस लाइट बेस रखती है इसलिए। तो आप भी अपने बेस मेकअप में उतना ज़्यादा लेयर अप मत किया करो, ठीक है। तो अब बारी आती है ब्लश की। इस पर्टिकुलरली इस मेकअप लुक में, हालांकि आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा ब्लश लगाती है, पिंकी चिक्स होती है उनकी, बट पर्टिकुलरली इस मेकअप लुक में उतना ज़्यादा पिंकी काइंड ऑफ
चीज़ नहीं था ब्लश में, बहुत ही पीची सॉर्ट ऑफ कुछ ब्लश था। मुझे तो फोटोज़ में उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ा बहुत पीची काइंड ऑफ ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं पूरी फेस को सेट नहीं करूँगी, क्योंकि जो ड्यूइनेस है ना वो चला जाएगा, जहाँ जहाँ मेरी कीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक अंडर आई पे एंड माउथ की एरिया पे, आई लिप पे, वहाँ वहाँ बस अप्लाई करूँगी। एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है आपके पाउडर पाउडर पफ में, तो उसके आप उसको हैंड में ऐसे डस्ट आउट कर लेना। एंड थोड़ा बहुत ब्रॉन्जी काइंड ऑफ एक लुक था उनके, अगर आप पॉडोस अच्छे से नोटिस करोगे तो मैंने अच्छे से ब्रॉन्ज काइंड ऑफ कर लिया है एंड नोज़ को भी कॉन्टोर कर लिया है। एंड अब बारी आती है ब्लश की। थोड़ा बहुत मैं जैसे अपनी ब्लश अप्लाई करती हूँ उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी ब्लश नहीं कर रही हूँ। मैं एप्पल ऑफ द चीक्स में ब्लश ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, बट इस लुक में उतना एप्पल ऑफ चीक्स में ब्लश ज़्यादा नहीं था, ब्लश था थोड़ा बहुत था, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड उनकी आईब्रोज बहुत बूशी काइंड ऑफ आईब्रोज थी, तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो किट से अपना आईब्रो बना रही हूँ। एंड राइट नाउ मेरी आईब्रो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था आईब्रो को शेप करने के लिए, तो जैसे तैसे मैंने कर लिया है। एंड मुझे अच्छा लगा क्योंकि उनकी बूशी आईब्रोज है, तो इसमें बूशी काइंड ऑफ आईब्रोज ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो बाद में स्पूली की मदद से उसको अच्छे से कोम कर लेना। एंड स्पेशली इस मेकअप लुक में आई मेकअप तो कुछ भी नहीं था, बस एक ब्रॉन्जी या कुछ ट्रांजिशन कलर से क्रीज बिल्ड करना है एंड आईलिड में देना है, उसको ही लोअर लैश लाइन पे देना है। एंड थोड़ा बहुत मिडिल में एक शिमरी ब्लिंगीनेस कुछ ऐड था, तो इसके लिए मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट यूज़ किया है एंड थोड़ा बहुत ब्लिंगीनेस दिया है। आई डोंट नो उनकी क्या लूज ग्लिटर थी या क्या थी, मुझे नहीं पता, तो थोड़ा बहुत मैंने ब्लिंगीनेस शिमर कुछ जो भी बोलो ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आपकी अगर लैशेस वॉल्यूमनाइज करनी है तो आप अपने लैशेस पे लूज पाउडर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से मस्कारा की कोटिंग लगाइए, आपकी लैशेस बहुत ही वॉल्यूमनाइज लगेंगी। यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ किया है एंड आलिया भट्ट ने कोई भी फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं किया है एंड उनकी लैशेस ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनाइज दे रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एंड उसकी उनकी हाइलाइटिंग कौन सी कलर की थी मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा फोटोज़ में, क्योंकि येलोइश लाइट काइंड ऑफ था, तो मैंने एक शैम्पेन कलर अप्लाई कर लिया है। तो जहाँ जहाँ नीड है, ब्रिज ऑफ द नोज, के पिट पोज, चिन, सेंटर ऑफ द फोरहेड। एंड इस लुक की मेन जो अट्रैक्शन है वो रेड लिप्स, बोल्ड रेड लिप्स, तो यहाँ पे तो वहाँ पे तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं था, लिप्स लाइन कोई ड्रॉ नहीं था, बट मैंने फिर भी लिप्स को लाइन किया है अच्छे से, क्योंकि ताकि लिपस्टिक्स अच्छे से मैं अप्लाई कर पाऊँ। यहाँ पे मैं एक रेड लिपस्टिक ले लिया है जो कि बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ कलर है, मैं तो ये नहीं बोल सकती कि एग्जैक्टली सेम चीज़ है। गाइस, जो आज मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, इसमें से ना तो ब्लाउज, साड़ीज, ज्वेलरी या मेकअप की कोई भी प्रोडक्ट सेम टू सेम है, बस थोड़ा बहुत सिमिलर है। मेकअप प्रोडक्ट तो सिमिलर तो क्या कुछ भी नहीं है, लाइक वो उनकी तो लाइक कितनी हाई एंड प्रोडक्ट्स है। एंड या हेयर इज़ माई एब्सोल्यूट फाइनल फिनिश लुक। होप करती हूँ आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना, लाइक करना। एंड अगर आप लोग मुझे चाहते हो तो मुझे सभी सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं सभी सोशल साइट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो या मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस।